नमस्कार, द HD न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं रंजीत कुमार। ये रांची का मांडर का इलाका है, NH 75 है और सामने जो ये सोने की दुकान दिख रही है, ज्वेलरी की दुकान है, शंकर एंड सन्स ज्वेलर्स। अभी दिन दहाड़े थोड़ी देर पहले यहाँ पर दो अज्ञात अपराधियों ने, 2 से 3 की संख्या में अज्ञात अपराधी थे जिन्होंने यहाँ पर लूट की है और बंदूक के नोक पर दुकान से लाखों के जेवरात की चोरी की गई है। जिस प्रकार राज्य भर में कानून व्यवस्था का मामला है, अभी तेजस्वी यादव भी आए हुए हैं, झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करके भी झारखंड में है और लगातार जो है यहाँ पर जो है विपक्षी पार्टी जो है कानून व्यवस्था का मामला उठा रही है कि अपराधी जो है किस प्रकार बेखौफ है और लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इस प्रकार रांची राजधानी से लगभग 30 किलोमीटर के दूरी का क्षेत्र है यह मांडर है और यहाँ पर अपराधियों ने दिन दहाड़े एक ज्वेलरी की दुकान से यहाँ से लूट की है, बंदूक की नोक पर लूट की है। CCTV फुटेज में सारा कुछ सामने आया है कि अपराधी किस प्रकार हेलमेट पहने हुए थी और रिवाल्वर दिखाकर दुकान के जो ऑनर है, संचालक है, उनसे उन्होंने लूट की है। फिलहाल जो है पुलिस जो पहुंची है मौके वारदात पर और अपराधियों की धरपकड़ की कार्रवाई की जा रही है। अनेक जगह के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि उनकी शिनाख्त की जा सके और जल्द से जल्द उनको पकड़ा जा सके। सामान नहीं दिया, पूजा पाठ वाला देख लीजिए।
इसमें खाली कस्टमर का रिपेयरिंग का सामान है भैया। इधर उधर इधर आके देख लीजिए, कुछ नहीं है भैया। आगे खाली तो बैग उठना है। निकालो भाई, निकालो भाई, निकालो। कोई समस्या आ रही है बता दे रहे, मैं तो भेजा का भेजा डाल दे। ये सवा दो बजे के समथिंग दो लड़के बाइक, तीन लड़के बाइक में आए, दो अंदर घुसा एक बाहर था, और उन लोगों को रिवॉल्वर दिखला करके सारा सामान शोकेस का खाली करवाया, गला अलमीरा से भी कुछ सामान निकलवाया, गला से पैसा निकलवाया, टोटल सामान उन लोग लूट करके ले गया। कितना कीमत हुआ कुछ अनुमान? वो तो अभी हम लोग अंदाजा नहीं किए हैं, वो देखने के बाद में ही पता चलेगा। ऐसे हम लोग को लगभग लगता है कि एक किलो के समथिंग सोना ले गया है, करीब 8-10 किलो चांदी ले गया है, 7 किलो 8 किलो लमसम यही चांदी ले गया उन लोग।